अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू जॉब बाज़ार। दोस्तों नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि MCB बैंक में, मुस्लिम कमर्शियल बैंक में जॉब्स की अनाउंसमेंट हुई है, जिसमें पूरे पाकिस्तान से मेल्स और फीमेल्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कौन कौन सी जॉब्स हैं, कैसे अप्लाई करना है और मुकम्मल प्रोसीजर आपसे डिस्कस करेंगे। आपने वीडियो एंड तक देखनी है और इसमें आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका भी बताएंगे कि कैसे इसमें आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल जॉब बाज़ार को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको डेली बेसिस पे जॉब्स की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो ये आप पहले डिटेल चेक कर सकते हैं। इसमें जो पोस्ट हैं, ये सबसे पहले रिलेशनशिप मैनेजर है, इसके अलावा ब्रांच मैनेजर है, और इसके अलावा आप देख सकते हैं BOM है, ऑपरेशन मैनेजर है, इसमें आप देख सकते हैं। और इसमें जो क्वालिफिकेशन है, ये आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, BA, BSc, BCom वगैरह वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और ये पूरे पाकिस्तान में जॉब्स हैं और इसमें मेल्स और फीमेल्स दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो अप्लीकेशन प्रोसीजर है, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। अगर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन नहीं चेक करना चाहते तो आप डायरेक्ट MCB की जो वेबसाइट है उसके कैरियर सेक्शन में जाकर आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट 21 मार्च है, 21 मार्च तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी चलते हैं ब्राउज़र पे और आपको बताते हैं कि आपने कैसे अप्लाई करना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहला लिंक ही इसी जॉब का है। आप जैसे ही उसको ओपन करेंगे लिंक को, तो आपके सामने कुछ इस किस्म का पेज ओपन हो जाएगा। ये इनकी वेबसाइट का लिंक है, ये आप देख सकते हैं mc.com.pk, और कैरियर सेक्शन है इनका, और नीचे ही आप जॉब देख सकते हैं। रिलेशनशिप मैनेजर की है, ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर की है, ब्रांच मैनेजर की है, तो आप जिस पे अप्लाई करना चाहें ये आप देख सकते हैं। तो मैं कर लेता हूँ रिलेशनशिप मैनेजर पे ही कर लेता हूँ अप्लाई। तो ये आप अप्लाई पे क्लिक करना है। इसके अलावा ये आप कुछ डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं इस जॉब की, 35+ पोस्ट हैं और इसमें आप देख सकते हैं लोकेशन, आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ इसकी जॉब्स होंगी, काफ़ी सारे सिटीज़ हैं इसमें आप देख सकते हैं। परमानेंट जॉब्स है, जेंडर इसमें मेल्स और फीमेल्स दोनों हैं, ग्रेजुएशन डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं। और सब देख सकते हैं कि इसकी लास्ट डेट 21 मार्च है, तो आप 21 मार्च तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपने इस जॉब के लिए अप्लाई करना है तो आप यहां पे देख सकते हैं ये कंप्लीट प्रोसीजर इसका, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे अप्लाई फॉर दिस जॉब, यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस किस्म का पेज ओपन होगा, ये आप देख सकते हैं। अगर आपका यहाँ पे अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है तो आपने अपना ईमेल पासवर्ड वगैरह आपने लॉगिन कर लेना है। अगर नहीं बना हुआ तो आपने यहाँ पे देख सकते हैं क्लिक हेयर टू रजिस्टर पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये अप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। आपने अपना फर्स्ट नेम, मिडल नेम, अगर आपका लेट्स सपोज अहमद अली ख़ान है आपका नाम, तो आपने फर्स्ट पे अहमद लिखना है, मिडल में अली लिखना है और लास्ट में ख़ान लिखना है। लेकिन अगर आपका जस्ट नेम अहमद ख़ान है तो आपने फर्स्ट में अहमद और मिडिल को ब्लैक छोड़ देना है और लास्ट में ख़ान लिखना है। जेंडर आपने सेलेक्ट कर लेना है, डेट ऑफ बर्थ, कंट्री, सिटी, ईमेल एड्रेस अपना लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है, NIC नंबर लिखना है, एकेडमिक इंफॉर्मेशन देनी है, ये आप देख सकते हैं। कोई भी आप अपनी जॉब की क्वालिफिकेशन है देख सकते हैं यहाँ पर। और इसके अलावा अपनी डिग्री टाइप लिखना है, कौन सी डिग्री है, डिग्री टाइटल लिखना है। और इसके अलावा आप दे सकते हैं मेजर सब्जेक्ट्स, कौन से सब्जेक्ट्स में डिग्री है। इसके अलावा पर्सनल प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन देनी है, अगर एक्सपीरियंस है तो यस पे आपने टिक करना है, नहीं है तो नो पे कर देना है। और इसके अलावा एरिया ऑफ इंटरेस्ट लिखना है, किस किस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है, ये आपके सामने फील्ड ओपन हो जाएंगी। फंक्शनल एरिया लिखना है, कौन से फंक्शनल एरिया में आपका इंटरेस्ट है। इसके अलावा कैरियर लेवल लिखना है, आप क्योंकि फ्रेश स्टूडेंट्स हैं तो आपने इंट्री लेवल या इंटर्न कर लेना है, जो भी आपका है आपने यहाँ पे कर लेना है। और उसके अलावा आप बाद अपनी CV जो आपकी है वो अपने अपलोड कर लेनी है, ये डॉक्स में हो, PDF फॉर्मेट में हो तो आप इसमें अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपने जब CV अपलोड कर देनी है तो आपने I am not a robot पे आपने जब क्लिक करना है तो एक सिक्योरिटी कैप्चा होता है, तो इसको आपने चेक करना है। सिक्योरिटी कैप्चा को आपने अपने मोबाइल में CV आपने पहले से रख लेनी है, और जो आपके PDF फॉर्मेट में हो, डॉक्स फॉर्मेट में हो और 2 MB से ज़्यादा ना हो तो आपने उसको अपलोड कर लेना है यहाँ पे। उसके बाद इसको आपने I am not a robot पे आप क्लिक करेंगे तो सिक्योरिटी कैप्चा आपके सामने कुछ इस तरह से रिस्क्योर होगा आपके सामने। जब ये स्क्योर हो जाएगा तो आपने सबमिट पर क्लिक कर देना है, आपके सामने जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये आप फिलअप हो जाएगा।
दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।